नोएडा के सेक्टर 20 थाना क्षेत्र के शनि मंदिर के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से दो बदमाशों को गोली लगी है। दोनों बदमाशों की पहचान हिमांशु और शब्बीर के रूप में हुई है। एसएसपी नोएडा डॉक्टर अजयपाल शर्मा ने बताया कि दोनों बदमाशों पर लगभग 3 दर्जन से अधिक लूट और डकैती के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को इनके पास से चोरी की लाइसेंसी रिवाल्वर बरामद हुई है। पुलिस बदमाशों का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है। वही हिमांशु नामक बदमाश के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित है। ये पुलिस टीम के द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग की जा रही थी, जिसमें कि बाइक सवार दो बदमाश इनके साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई है। ये थाना क्षेत्र सेक्टर 20 में सेक्टर 14 के पास में ये घटना यहाँ पर हुई। इसमें दो बदमाश हिमांशु और शब्बीर नाम के जो कि घायल हुए हैं, दोनों एक्सचेंज ऑफ फायर में पुलिस गोली लगने से घायल हुए हैं, और इनके पास से एक बाइक और एक लाइसेंसी रिवॉल्वर मिली है जो कि लोडेड है, और इसके अलावा तमंचा और कारतूस और कुछ अन्य ज्वेलरी और अन्य सामान मिला है। इसकी अभी जो वेरिफिकेशन है शिनाख्त वो की जा रही है। जो अभी तक जांच में निकल करके आया है कि इनमें से एक बदमाश जो कि अलीगढ़ का रहने वाला है और दूसरा सेक्टर 9 में झुग्गी के एरिया का रहने वाला है, और जो एक बदमाश जो शब्बीर नाम का जो बदमाश घायल हुआ है, इसके ऊपर 3 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, कई बार जेल जा चुका है, और दूसरा बदमाश जो हिमांशु है वो भी कई बार जेल गया है। फिलहाल दोनों के प्रति इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है और अलीगढ़ पुलिस से भी संपर्क करके इसके बारे में जानकारी की जा रही है। सर, क्या कोई इनामी भी है इसमें? हाँ, इनमें जो इनामी बदमाश घायल हुआ है वो 25,000 का इनाम उसके ऊपर है। इसके पास से लाइसेंस रिवॉल्वर मिली है। फिलहाल अभी रिवॉल्वर को तस्दीक किया जा रहा है, बाकी जो अन्य सामान है उसको वेरीफाई किया जा रहा है।